ओके सो वीडियो का टाइटल थंबनेल देख के तुम लोग समझ रहे हो कि आज मैं क्या ज्ञान देने वाला हूँ। सो बेसिकली मेरे पास आज कुछ यूट्यूबर्स स्लैश गेमर्स के नाम है और इनमें से हमारे मेन टारगेट होंगे ये सब हैं, सभी के बारे में आज को डिस्कस करने वाला हूँ मैं। तो देखो यहाँ मेरे पास चार यूट्यूबर्स के नाम हैं और वो हैं रथित्रू, द रोनी गेम्स, एंड्रू बी और आई एम बिक्सू। और भी कुछ यूट्यूबर्स हैं बट वो इन्हीं में कर हो जाएंगे मे बी। सो एज वी ऑल नो कि कहीं ना कहीं इन चारों की वीडियो हम लोग को बहुत फेवरेट हुआ करती थी क्योंकि ये लोग काफ़ी अच्छे जोक्स क्रैक करते थे और साथ ही काफ़ी फनी एडिटिंग भी करते थे। बट अब ऐसा नहीं है, 80% ऑफ इनकी ऑडियंस को अब इनके वीडियो पसंद ही नहीं आते हैं। जिन रचित भाई को सब लोग मोस्ट हार्ड वर्किंग गेमर कहते थे, अब वही लोगों ने कमेंट में चैनल कैटेगरी चेंज होने का ज्ञान दे रहे हैं। जिन रोनी भाई को सब एक एंशियंट गेमर कहते थे, अब वो सब उन्हें मिस कर रहे हैं। और जिन एंड्रॉयड बिक्सू भाई को सब उनकी सबसे बेस्ट कोलैब्स की वजह से पसंद करते थे, अब उन्हें ही याद लाना पड़ता है कि भाई ये गेमिंग चैनल है। रीजन, इनका अपने चैनल की कैटेगरी को ही चेंज कर देना, जहाँ ये क्या पहले मस्ट गेमिंग वीडियो डालते थे, इसमें उनकी मस्ट कमेंट्री रहती थी, अब वहाँ पर रिएक्शन, रिव्यू, शॉपिंग क्लबों की वीडियो ही नहीं आ रही है। ये समस्या है। तो जहाँ तक मुझे पता है, सबकी शुरुआत आज से 8 महीने पहले अपने रचित्रु भाई ने की थी, जहाँ पर उन्होंने गूगल मैप पर कुछ लोकेशन सर्च की थी और उन्होंने उसकी एक वीडियो बना के डाल दी थी। और लिटरली उस वीडियो पर उनके नॉर्मली गेमिंग वीडियो से डबल व्यूज आ गए थे। फिर उसके बाद उन्होंने एक दो गेमिंग वीडियो निकाली बट उसके बाद उन्होंने दोबारा उसी कैटेगरी में एक वीडियो निकाल दी एंड बूम, उनकी उस वीडियो से भी डबल व्यूज आ गए थे। एंड बस फिर उन्होंने अपना ये काम चालू रखा एंड गेस वॉट, अब उनकी उस कैटेगरी पर तो व्यूज कम आ रहे हैं बट उनकी जो गेमिंग वीडियो है उस पर व्यूज अब आधे से ज़्यादा कम हो गए हैं। उसके बाद इस कैटेगरी में आते हैं अपने एंड्रू भाई। और भाई सच्ची में एंड्रू भाई ने 5 महीनों में सिर्फ और सिर्फ 3 गेमिंग वीडियो ही निकाली हैं, अदरवाइज सभी वीडियो रिएक्शन और आइटम बाइंग वीडियो ही रह गई हैं। जहां इनके पुराने गेमिंग वीडियो में इजीली 1 मिलियन व्यूज क्रॉस हो जाते थे, अब वहीं इनकी रिएक्शन और ये आइटम बाइंग वाली वीडियो में मुश्किल से 1 मिलियन पहुंच जाए तो वो भी बहुत बड़ी बात होती है। एंड अगर तुम लोग इनकी किसी इस कैटेगरी की वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोले हो तुम लोग देखना, वहां तुम लोग एक लाइन लिखी मिलेगी जिसमें लिखा होगा वीडियो आइडिया इज फ्रॉम रचित्रू। सो या आई थिंक मुझे इसके आगे अब बोलने की ज्यादा जरूरत नहीं है। तब सीधे आते हैं अपने अगले यूट्यूबर, इनका नाम है आई एम बिक्सू। सो हम सब जानते हैं कि इनके जोक्स और एडिटिंग सच में बहुत ज्यादा बेस्ट रहती थी। सो इनके वीडियो में इसलिए इजिली 2-4 मिलियन व्यूज तो आसानी से आ ही जाते थे। बट अब तो इनकी वीडियो में अगर 500 के व्यूज भी जाना बहुत काफी हार्ड रहता है। रीजन सेम है, इनका गेमिंग वीडियोस छोड़कर रिएक्शन या बाइंग आइटम पे वीडियो बनाना। और इनके भी जब हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन देखा तो हमें वहाँ पर सेम चीज देखने को मिली कि वीडियो आइडिया इज फ्रॉम एंड्रू बी। सो देखा जाए तो अपना जो चेन सिस्टम है हर जगह कहीं ना कहीं किस तरीके से आ ही जाता है। ठीक है समझ गया। तो अब आते हैं वो दिन का तुम लोग सबसे ज्यादा वेट कर रहे थे, हमारे अपने एंशियंट गेमर द रोनी गेम। तो इनने 2 महीने पहले अपनी एक इस टाइप वीडियो निकाली थी और उसमें उन्होंने कहा था, तो गाइस हमारे सीक्रेट सूत्रों से मालूम पड़ा है कि पूरा हीरो ब्राइन SMP बैठ के माइनक्राफ्ट के शॉर्ट्स देख रहा है। इस बात में कितनी सच्चाई है? इस बात की सच्चाई तक जाने के लिए हम लोग देखेंगे हमारे हीरो ब्राइन SMP के सबसे पहले मेंबर के चैनल को। बरोबर है, सच्चाई है। एक और मेंबर का चैनल लगाया जाए। इन लोग को हीरो ब्रेन SMP के अंदर वॉर करने का था और ये लोग यहाँ बैठ के माइनक्राफ्ट के शॉर्ट्स देख रहे हैं। वेरी गुड। तो गाइस इसी के साथ मैंने भी निर्णय लिया है कि मैं भी हीरो ब्रेन SMP का मेंबर हूँ, जिसका मतलब गाइस मेरा भी पूरा अधिकार बनता है कि मैं भी बैठ के माइनक्राफ्ट के शॉर्ट्स देखूं। ये कर लो पहले, गेमिंग वीडियो तो बाद में ही बन जाएगी ना। उसके बाद इन्होंने ये काम अपना जारी रखा लाइक अदर यूट्यूबर स्लैश गेमर्स की तरह। एंड गेस व्हाट, स्टार्टिंग में तो उनके भी इसी टाइप की वीडियो में एवरेज व्यूज से डबल व्यूज आए बट नाउ, और इनकी ये वाली वीडियो देखने के बाद सच में बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हुआ था। और ये समय क्यों कहना, तो मुझे वीडियो खुद देखनी पड़ेगी। सो यार तुम लोग कह रहे हो कि जैज तेरी इस वीडियो का मोरल क्या है या कंक्लूजन क्या है? सो अभी मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि स्टार्टिंग में इनकी इस टाइप की वीडियो हमने देखी और हमको वो एक दो बार के लिए पसंद आई बट अब वो हमें बोर कर रही हैं और इसलिए उनके चैनल का रीच भी कम होता जा रहा है। अगर इनमें से कोई भी मेरी वाली वीडियो देख रहे, अगर देख रहे हो ना, तो प्लीज इसको लाइक और फॉलो करके आगे बढ़ा दीजिए, ये लड़का बहुत ही मेहनत कर रहा है। सो प्लीज कमेंट कर देना। और हाँ यार, गेमिंग वीडियोस डालो यार, वही बेस्ट ही। और स्पेशली अपने रचित्रु भाई, इन्हें सब शुरू किया है मे बी। और हाँ, मेरा भी एक गेमिंग चैनल है, ये मत समझना कि मैं उसका ज्ञान वाली बनाऊंगा। अगेन वीडियो इज जस्ट फॉर फन एंड सम नॉलेज पर्पज। सबके कंटेंट बेस्ट हैं। सो वीडियो का लाइक एम है सिर्फ और सिर्फ 15 लाइक्स, होप कंप्लीट कर दोगे। और हाँ,
ये मेरी पहली वीडियो है जिसके लिए मैंने लिटरली 5 पेज की एक स्क्रिप्ट बनाई थी, तो सब्सक्राइब भी कर देना यार, बहुत टाइम लगा इस वीडियो को बनाने में। तो बस अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड पीस।